अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मटन के पाए, जो हमने ये तीन बकरों के पाए हैं, जो टोटल 4 किलो मिला के मटन है। तो उसके हिसाब से हमने मसाले लिए हैं। इसके लिए हमें 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और 4 टेबलस्पून हमने खोपरा लिया है। और फिर उसके बाद हम मसाले में डालने के लिए हमने ये 3 बड़ी इलायची लिए हैं, जो काला मसाला कहते हैं, काले मसाले में ये सब चीज़ें डालते हैं, तो वो इसमें हम डालेंगे। तो 3 बड़ी इलायची, 2-3 ये बिल्कुल 1/2 टीस्पून जावित्री और 1/2 टीस्पून सौंठ, और ये 2 हमने चक्री, जिसे बादिया भी कहते हैं, तो ये 2 हमने सिर्फ 1 और आधा बादिया लिया है, और 1 टीस्पून नाकेसर, जिसे कबाब चीनी भी कहते हैं, 4 से 5 तेज़पत्ते, 2 टेबलस्पून धनिए का फूल, जिसे पत्थर का फूल भी कहते हैं, और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, और इसमें हम पीसने के लिए हम 1 टेबलस्पून कोतमीर, 1.5 टेबलस्पून लहसुन, हम अदरक लहसुन फ्रेश ले रहे हैं, और 1 टेबलस्पून अदरक और 1 हरी मिर्ची डालेंगे। तो ये मसाले हम भून कर साथ में पीस लेंगे। और गरम मसाले के लिए हमने 1 टेबलस्पून शाहजीरा, 2-3 काली मिर्ची, 3 से 4 लौंग, 1-2 दालचीनी के टुकड़े, 2 छोटी इलायची और बिल्कुल 1/2 टीस्पून सौंफ और 1/2 टीस्पून जीरा, जो हम ये भूनकर ये अलग पीस लेंगे गरम मसाला। और सालन में डालने के लिए हमें 2 टेबलस्पून सादा फ्लावर लगेगा, और ये दालवा जो हमने 3 टेबलस्पून लिया है, जिसे हम बाद में पीसे बाद इन दोनों को घी डाल के भून लेंगे। और 1 कप हमें 3 टेबलस्पून हमें दही लगेगा, चक्का दही लिया हमने, और 150 से 200 ग्राम हमें मीठा तेल लगेगा। और मसाले में डालने के लिए हमने इस तरह के 2 डल्ली प्याज के पतले स्लाइस में काट के तल लिया है, इसे फ्राई कर लिया है। तो ये और कच्ची प्याज ये सब हम खोपरे के साथ पीस लेंगे। ये जो हमने मसाले रखे थे वो सब इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा तेल डाल के हम इसे भून लेंगे। ये मसालों को हम अच्छी तरह भून लेंगे, फिर इसके बाद हम खोपरा भी भून लेंगे। ये हमारे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए, अब इसे हम एक जार में डाल देंगे। ये मसाले जो हमने तेज पत्ता वो रखा था वो जार में भून के निकाल लें। अब हम खोपरा भून लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। इस तरह से इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। प्याज हमारी जो तली हुई है वो भी डाल देंगे, और हमने प्याज को तल के रख दिया था, और कच्ची प्याज जो है वो भी इसमें डाल देंगे। सबसे पहले हम सूखा पीस लेंगे, उससे मसाला जल्दी पीसे जाते जल्दी बारीक होता है। तो ये खोपरा और तेज़पत्ता बादिया वो सब हम पहले सूखा पीस लेंगे, उसके बाद फिर हम कच्ची प्याज और तली हुई प्याज इसमें पहले डाल देंगे सूखे, फिर कच्ची प्याज हम बाद में पीसे बाद डालेंगे, फिर कोतमीर अदरक लहसुन गीला मसाला हम बाद में डालेंगे, पहले इन सबको सूखा पीस लेंगे। तब ये हमारा अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है हमारा खोपरा, बस अब हम गैस बुझा देंगे। हमने वो काला मसाला खोपरा बादिया तेज़पत्ता वो अलग से पीस लिया है, अब ये अदरक लहसुन कच्ची प्याज कोतमीर हम ये अलग से पीस रहे हैं, वो एक साथ अगर नहीं आए जार में तो हम दूसरे जार में ये अलग कच्चा मसाला पीस रहे हैं, और वो मसाला हमने पानी डाल के उसे पीस लिया है खोपरा। अब ये हरा धनिया अदरक लहसुन और प्याज एक साथ पीस लेंगे। सबसे पहले हम इसमें
एक भगोने में सबसे पहले हम ये तेल जो रखा था वो डाल देंगे, थोड़ा और आधा कप डालेंगे इस तरह, और आधा कप लिया हमने, टोटल हमने 200 ग्राम तेल लिया। और हमने एक टेबल स्पून पतली प्याज काट के बघार में डालेंगे। और ये खड़ा मसाला हम बघार में डाल रहे हैं, एक तेज पत्ता, दो तेज पत्ते ले रहे हैं हम, और एक इलायची, छोटी इलायची, एक दो दालचीनी टुकड़े, आधा टी स्पून शाहजीरा, दो तीन लौंग, ये खड़ा मसाला हम इसमें डाल रहे हैं, एक छोटा सा टुकड़ा बाद ये, तो ये हम इसमें डाल रहे हैं। इसे हम अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। अब हमारी प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें ये अदरक लहसुन और कोथमीर का जो पेस्ट पिसा था वो डाल देंगे, सबसे पहले हम वो डाल देंगे। उसके बाद ये मिर्ची पाउडर और ये हल्दी पाउडर और नमक हम बाद में टेस्ट के हिसाब से चक्कर भी बाद में डालेंगे। फिर अच्छी तरह से भून लेंगे इस तरह से। फिर उसके बाद हम धनिया की पत्ती भी डाल देंगे इसमें। उसके बाद ये जो दही रखा था हमने उसे अच्छी तरह से फेंट दिया है, अब वो डाल देंगे। दही डाल दिया हमने, फिर उसके बाद ये हमने मसाला पीसा था, खोपरा, तेज पत्ता, प्याज, तो ये अब हम डाल देंगे। सब इन सब मसालों को 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे, जब तक इसमें अच्छी तरह भूनने के बाद तेल आना शुरू ना हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे फुल आंच पे। फिर उसके बाद हम इसमें पाए डाल लेंगे। ये 3-4 मिनट से हम मसाला हमारा अच्छी तरह से भूनने जा रहा है, इसमें अच्छी तरह से तेल आ चुका है। अब इस स्टेप पे हम पाए डाल देंगे और फिर पाए डालने के बाद अच्छे से और भूनेंगे 3-4 मिनट। फिर उसके बाद हम इसमें आधा छोटे इसमें पानी डालेंगे। देखिए इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है, तेल अच्छी तरह से आ चुका है। अब इसमें हम पाए डालेंगे, इस तरह से हम इसमें पाए डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से फिर पकने देंगे। हम इसे 5 से 6 मिनट तक ढक्कन ढक के अच्छे से पकने देंगे, अच्छे से ढक्कन ढक के पकने देंगे। हम सबसे पहले तवे पे हमने ये जो सादा फ्लावर रखा था वो भून लेंगे और ये दालवा जो रखा था ये भी डाल देंगे।
सादा फ्लावर और दाल व दोनों हमने तवे पे गरम तवे पे डाल दिए हैं हमने। उसको हम ये बटर को थोड़ा सा टुकड़ा बटर का लिया है वो डाल के भून लेंगे। अगर आपके पास असली भी है वो भी डाल के भून सकते हैं या फिर सादे तेल में भी भून सकते हैं। इसे अच्छा ब्राउन होने तक हमें भूनना है। इसे सालन बहुत ही टेस्टी बनता है, भून के डालना कभी भी कच्चा, आप बहनों कच्चा कभी मत डालो, कभी नहीं डालना आटा, कभी भी भून कर डालना, तो इसे सोंदार अच्छा मजे का बनता है सालन। अब इसे हम फिर अच्छा लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। फिर इसके बाद इसे एक पानी, एक कटोरे में पानी लेकर उसमें घोल कर फिर डालेंगे। जैसे हमेशा पानी में घोल कर ही डालना है हमें, क्योंकि अगर हम इसे पानी में मिलाकर नहीं डालें तो इसमें लम्स बन जाते हैं। ये अच्छी तरह हमारा ब्राउन हो चुका है, तब हम गैस बुझा देंगे। बहनों ये हमने ढक्कन हिला के से हिलाए, थोड़ा से हिलाए ना हिलाए, इसको हमने अच्छे से मिक्स करें। ये 10 मिनट से हमारा ये मटन पक रहा है। अब इसमें हम पानी और वो आटा जो फ्लावर रखा था वो उसमें घोल के डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें ये पानी डालेंगे जो हमने अच्छी तरह से गरम करके रखा था। याद रखिए कभी भी पानी गरम करके डालना, उससे तेल अच्छा आता सालन में, तो हमने इसे अच्छी तरह से गरम कर दिया। फिर थोड़ी देर 1 से 2 मिनट और पकने देंगे। थोड़ा इसमें तेल आने के बाद हम ये जो दालवा और सादा फ्लावर भून के हमने घोल के रखा है वो तेल आने के बाद डालेंगे, क्योंकि उससे तेल उड़ जाता है, तो इसलिए हम इसमें तेल, थोड़ा तेल आने के बाद डालेंगे। जब तक हम इसमें ये हरी मिर्ची जो रखी थी हमने से कट्स लगा दिए हैं वो डाल देंगे, और ये जो गरम मसाला रखा था हमने शाहजीरा, दालचीनी, इलायची और सौंफ और जीरा, तो ये गरम मसाला भी हम इसमें अच्छे से डाल देंगे। इसका शेरवा था मटन का वो भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। टोटल हमने 1 से 1.5 लीटर पानी डाला है। आप आपके हिसाब से पानी डाल सकते हैं, आप कम ज्यादा जितना आपको पतला या गाढ़ा, लेकिन ये सालन पतला ही अच्छा लगता है। और नमक भी आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल। अब हम ये जो आटा रखा था, आटा और दालवा, इसे अच्छे से घोल के इसमें हम डाल दे रहे हैं पानी में। 1 कप पानी में हमने इसे अच्छे से घोल दिया था, डाल देंगे। फिर आंच को कम करके इसे दम पे पकने देंगे बस 5 से 6 मिनट तक। फिर हमारा सालन तैयार है। ये हमारा सालन 5 से 6 मिनट अच्छे से पक चुका है। अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम एक सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। लीजिए हमारे पाए का सालन तैयार है। इसमें इसे हम गार्निशिंग करेंगे हरे धनिए और अदरक के स्लाइस के साथ। इस तरह से इस पे डाल देंगे।